Very good. Success. Grand success. कमाल कर दिया किशन, तूने कमाल कर दिया। चौधरी साहब के बरसों पुराने सपने को पूरा कर दिया तूने। वाकई तुम्हारी वफादारी की कदर करते हुए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। पिस्तौल जेब में रख लो सावंत, सांप के बिल में हाथ डालने वाला उसका जहर भी उतारना जानता है। अगर गोली चलाई तो सिर्फ मैं नहीं, चौधरी का बेटा भी मरेगा। मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? पिस्तौल हटा लो सावंत, इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है, ये मेरे बेटे को मार डालेगा। एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट। पर इस बात का सबूत तो मिल जाए कि आपका बेटा वाकई इसके पास है। हेलो, जरा बात करो साहबजादे से। हाँ एक सेकंड, बात करो। हेलो, अपने बाप से बात करो। हेलो, हेलो बेटा, बेटा तुम कैसे हो? डैडी डैडी मुझे बचा लो डैडी, ये लोग बहुत खतरनाक है डैडी, ये मुझे मार डाले प्लीज। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे डैडी तुम्हें मरने नहीं देंगे। क्या उन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा, हाथ पांव मुंह सब तोड़ दिया? तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हें रिहा करवा लूंगा। एक मिनट चौधरी साहब, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो, मैं सावंत बोल रहा हूँ। डैडी मुझे बचा लो डैडी, डैडी कहीं बिजनेस के चक्कर में ये मत भूल जाना, मैं आपका असली बेटा हूँ डैडी, असली बेटा हूँ। हेलो हेलो, चिल्लाओ मत सावंत, फोन की लाइन काट दी गई होगी। मैं पहले से ही कहकर आया था कि 2 मिनट के अंदर फोन की लाइन काट देना, और अगर आधे घंटे के अंदर मैं नहीं पहुंचा तो उस लड़के की जिंदगी को। क्या चाहते हो तुम? ये हीरे जेवरात जितने में भी बिकेंगे 50% मुझे चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ एक बाप के लिए बेटे की जान की कीमत क्या होती है। नहीं किशन नहीं, सावंत साहब प्लीज, देखिए मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। गुड, कल सुबह मैं तुम्हारे बेटे को लेकर यहाँ पहुंच जाऊंगा, माल तैयार रखना। अरे कल क्यों, आज क्यों नहीं? तुम अपना हिस्सा भी ले जा सकते हो। नहीं सावंत, मैं बेटे के जुदाई में उसके बाप को और थोड़ा तड़पाना चाहता हूँ। और हाँ, चौधरी से कहना कि मेरा पीछा करवाने की या किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश की तो बेटे से हाथ धो बैठेगा। ओके बरखा। किशन बरखा, अब वो वक्त आ गया जब सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे। ये लो, कल ठीक 10 बजे ये रिसीवर कमिश्नर साहब को दे देना, सारी सच्चाई का उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। ओके एंड बी केयरफुल। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी फिक्र मत करो बरखा, मुझे बहुत काम है। 2 और स्मगलरों को सावंत के अड्डे पे बुलाना, और इस बात की खबर भूपेंद्र सिंह को देनी है, ताकि सावंत अपने आप इकरार करे कि चौधरी साहब उसके हाथों के कठपुतली हैं, और ये बात बहुत जरूरी है। बरखा, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उसे उसके सुहाग से जरूर मिलाऊंगा। टेक केयर। अच्छा, इतने सारे पॉइंट की बातें, आज तक किशन मेरे रूप में घूम रहा था, अब क्लाइमैक्स आ गया बजरंग बली, मैं किशन बनकर घूमूंगा। सर किशन तो आ गया है लेकिन अकेला आया है। हाय रॉबर्ट। तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे साथ मेरा बेटा, मेरे कहने का मतलब है चौधरी साहब का बेटा क्यों नहीं आया? ये कौन से बेटे की बात कर रहा है डैडी? ये अपने बेटे की बात कर रहे हैं। ओ सावंत साहब, आप चौधरी साहब के बेटे की बात कर रहे हैं या अपने बेटे की बात कर रहे हैं? अच्छा तो तुम्हें इस बात का पता चल चुका था। हाँ हाँ विकी, मेरा बेटा है, मेरा खून है वो,
अगर उसके जिस्म पर जरा सी भी खरोच आई तो किशन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे खरोच उसे आएगी और आप मुझे जान से मार दोगे? बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा, अब शराफत से बता दे मेरा बेटा कहाँ है। गुस्सा मत होइए सावंत साहब, बेटा तो आपने पैदा किया है। जब आपको पता नहीं आपका बेटा कहाँ तो मुझे कैसे पता होगा। डैडी मारो इस हरामजादे को, हड्डी पसली एक कर दो इस कुत्ते की, उगलवाओ इससे मेरा बेटा कहाँ है। अरे डैडी 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 ये क्या हो रहा है डैडी? आप यहाँ के बॉस हैं और आपके चमचे ही मुझे मार रहे हैं है? बेटा नहीं सावन नहीं, ये कोई नई चाल है इसकी, नाटक कर रही है। क्या आप क्या कह रहे हैं डैडी है? है? आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। डैडी आज से 25 साल पहले की बात याद कीजिए, जरा फ्लैशबैक में जाइए, मैं आपको बचाने आया हूँ और उल्टा आप मुझे ही फंसा रहे हैं। आप कानून के गवाह बन जाइए, मैं आपकी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा और बाकी सजा आपके इन साथियों में बंटवा दूंगा। शट अप सावधी, क्या बकवास कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्यों चौधरी साहब? किशन बेटे। यस अंकल। जरा इधर तो आना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि ये तुम्हारे डैडी हैं? एक मिनट में साबित हो सकता है अंकल। अच्छा? बाहर मेरी माँ जी खड़ी है, इनकी पत्नी, उन्हें अंदर बुलवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। That's a good idea. Thank you. John. कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़ के? क्यों चले गए थे? वाह 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 चौधरी साहब वाह। थोड़ी देर पहले मैंने सोचा कि आप अकेले अनाथ और लवारिस की तरह मरोगे, लेकिन नहीं, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। अब लगता है आप अपने परिवार के साथ मरोगे। पाल लो इन तीनों को। भाग जाओ पिताजी भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा, भाग जाओ भाग जाओ, अबे छोड़ भाग जाओ। ये आपके आदमी क्या कर रहे हैं आपके साथ? किशन ये क्या किया बेटा तूने? किशन ये किशन नहीं गोपी है क्या? हाँ हमारे बड़े बेटे किशन का जुड़वा भाई गोपी। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, किशन ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आफ्टर ऑल आई एम द रियल पुलिस ऑफिसर। अबे तू रियल पुलिस ऑफिसर नहीं है, गधा है गधा। अपनी माँ को यहाँ क्यों लाया? शायद तुम्हारी किस्मत जोरों पर है चौधरी, इसलिए अगर 15 मिनट के अंदर अंदर किशन यहां नहीं पहुंचा तो तुम लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी। डैडी डैडी मेरी गाड़ी आप लोगों की गाड़ी से पास क्यों चल रही है? सावन बाहर निकल। यू बास्टर्ड, तुम मुझे धोखा देना चाहते थे? आपको कुछ गलत फहमी होगी भूपिंदर जी, मेरी बात का यकीन मानिए आप, ये जेवरात में आप ही को देने वाला था। शट अप। जो आदमी अपने मालिक के साथ गद्दारी करके उसे इस तरह बांध के रख सकता है वो किसी दूसरे के साथ ईमानदारी नहीं कर सकता। हाँ भूपिंदर साहब हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गोगा जाके चौधरी साहब को खोल दो। भूपिंदर जी, भूपिंदर जी ये मेरा मालिक नहीं, मैं उसका मालिक हूँ। मैं बहुत लंबी कहानी है, कानून से बचने के लिए मेरी एक चाल थी, वो कानून समाज और मेरे सारे आदमियों की नजरों में मैंने बड़ा आदमी बनाया इसे, मैंने, वरना ये किस लायक, ये क्या जुर्म करेगा? डैडी अब तो आपको यकीन आ गया ना, प्लीज किशन की मदद कीजिए। देखिए भूपिंदर जी ये ज्वेलरी मैं आप ही को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किस लिए? इसलिए कि बग्गा और ढोलकिया भी आ जाए। नहीं, इसीलिए कि मेरा बेटा विकी किशन के कब्जे में है। किशन के कब्जे में? अरे किशन तो इनके कब्जे में यहाँ खड़ा है। मैं किशन हूँ। ये किशन नहीं गोपी है, किशन का जुड़वा भाई। अरे नहीं भूपिंदर साहब, ये आपको डबल रोल के चक्कर में डालकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांधो साले को। ये झूठ है। ये देखिए भूपिंदर जी, बग्गा और ढोलकिया भी आ गए। आप लोग यहाँ क्यों आए? सावंत साहब ने बुलाया है, जवाहरात का सौदा करना है। ये सब झूठ है भूपिंदर जी, मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने इन्हें नहीं बुलाया, ये इन दोनों बाप बेटों की साजिश है।
डैडी 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 मैं बच गया डैडी। विक्की मेरे बेटे, मेरे बेटे तू बचकर आ गया। हाँ हाँ देखा इस हरामजादे का और झूठ, मेरे बेटे को अपना बेटा कह रहा है। हाँ मेरे बेटे, मेरे बच्चों कैसे है तू? विक्की, विक्की बेटे तेरे असली डैडी कौन है? अबे उल्लू के पट्टे, मेरी जिंदगी खतरे में है, अपने असली बाप को पहचान, असली बाप को पहचान। मंत्री, ए भूपिंदरवा आपसे एक बात करनी है। तने कहो तो। आई एम सॉरी सावन साहब, खोलो इनको, चलो। ये जवाहरात तो नकली है। क्या नकली? तो फिर असली कहाँ है? यहाँ है मेरे पास। अगर तुम्हारे माँ बाप भाई की जिंदगी चाहते हो तो वो सारे जेवरात हमारे हवाले कर दो। इन जेवरातों पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इन गरीबों का भी हक है सावंत, जो बरसों से तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं। देखो उस रॉबर्ट को, तुम्हारे साथ उस जमाने से काम कर रहा है जब उसके सर पे पूरे बाल थे, लेकिन आज आज वो गंजा हो चुका है। क्या है उसके पास? बात तो ठीक है। Shut up! खून डालो उस हरामजादे को। चौधरी, हमसे रंगबाजी करता साला। After all, I'm the real police officer. तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ये गन मुझे दे दे। गुड, थैंक यू। थोड़ा बैठ जाता हूं। माया, कहां फंस गया मैं? माया, गुड डॉगी, गुड डॉगी। भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लगता है सावन के कपड़े हैं। इसका नाम पप्पी है, पप्पी। थैंक यू पप्पी। गो गो। Thank you.
तूने मेरे बेटे को मारा है, अब मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। गोबे 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 जय बजरंग बली। अब माफ कर दूं, सारी जिंदगी तड़पाया, सारी जिंदगी तड़पाया, बेटे से दूर रखा, मेरे बेटे से दूर रखा, जिंदगी भर तड़पाया। जय बजरंग बली। किशन, किशन मेरे भाई, किशन गोभी तू ठीक तो है ना? गोभी मेरे भाई, सावंत, सावंत आरामजादे, तूने मेरे भाई को मारा, सावंत। चल, चल, जय बजरंग। गिरफ्तार करो इन सबको, उठो मंत्री। गोपी, you hit you? Brave lion Gopi. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मंत्री, ले जाओ उसे। जी सर। ले जाओ, दादा लगवा दो। चलिए। चौधरी साहब, आज से आप आजाद। मिस्टर किशन, मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमने कानून तोड़ा है, लेकिन कानून की बहुत बड़ी मदद भी की है। कानून जरूर तुम्हारे साथ रहम का बर्ताव करेगा। और मेरी गोपी का क्या होगा? बोलो बोलो, टेल टेल। मैं कोशिश करूंगा कि गोपी हवलदार नहीं, सीबीआई ऑफिसर ही रहे। बरका जी, आप? मेरा दो दो नो नो, इसका एक ही बाप, मैं गोपीनाथ।